आखिर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के समय क्यों आए थे पवन पुत्र हनुमान जी? क्या वो सचमुच भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के समय वहां पर मौजूद थे? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली अवश्य लिखिएगा। जब जब भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है, उनके साथ सदैव हमेशा उनके महान भक्त हनुमान जी का नाम भी अवश्य लिया जाता है, जो स्वयं भगवान शिव के ही अवतार थे। एक महाबलशाली देवता जिन्हें हरा पाना किसी के भी बस की बात नहीं थी। यहाँ तक कि भगवान शिव हो, भगवान विष्णु हो, ब्रह्मा हो, यम हो या कोई अन्य देव, सभी से इन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान प्राप्त हुए थे, जिसके चलते इनकी शक्ति कई अधिक गुना बढ़ गई थी। हम सब ये जानते हैं भगवान हनुमान जी आज भी चिरंजीवी हैं। वो त्रेता युग में स्वयं भगवान श्री राम के साथ भी थे और द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ भी। महाभारत में एक नहीं बल्कि सैकड़ों बार हनुमान जी का जिक्र मिलता है। जहां एक बार स्वयं उन्होंने भीम का घमंड चकनाचूर किया, तो वहीं महाभारत के युद्ध में वो सर्वश्रेष्ठ धनुधारी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान हुए। हम ये सब जानते हैं कि महाबली हनुमान जी ने कई प्रकार से द्वापर युग में अपनी उपस्थिति जाहिर की थी। वो प्रत्यक्ष रूप से भले ही पांडवों को एक या दो बार मिले हों, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा उनके साथ ही थे। अब जिनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े हों, उनके पास आखिर भगवान हनुमान जी क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पहले श्री राम ही तो थे। वहीं द्वारका में भी कई बार भगवान हनुमान का जिक्र मिलता है, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आमंत्रित किया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ उनकी पत्नी सत्यभामा और सुदर्शन गरुड़, साथ ही साथ बलराम जी का घमंड चकनाचूर करने के लिए। कहते हैं महाभारत के युद्ध के समय वो प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने आए थे, जहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण के कहने पर और अर्जुन की विनती करने पर ही वो स्वयं उनके शक्तिशाली रथ के ध्वजा में विराजमान हुए थे, जिससे अर्जुन की शक्ति और अधिक गुना बढ़ गई थी, क्योंकि उनका रथ किसी भी साधारण या दिव्य बाण से चकनाचूर नहीं हो सकता था। लेकिन महाभारत का युद्ध खत्म होने के पश्चात वो वापस अपने पुनः स्थान में चले गए थे, जहां वो सदैव भगवान श्री राम का जाप करते रहते थे। महाभारत का युद्ध अधर्म में धर्म के विजय का प्रतीक था, और जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कूटनीति और अपने तपोबल के कारण अधर्मियों का नाश कर दिया था और धरती से सभी अधर्मियों को मिटा दिया था, जिसके बाद उन्होंने अंत में अपना शरीर त्याग कर वैकुंठ धाम की तरफ प्रस्थान करने का निश्चय किया। और महाभारत खत्म होने के 36 वर्ष बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा। इसके पीछे भी पूर्व जन्म त्रेता युग के समय का वो श्राप मौजूद था, जो स्वयं बाली की पत्नी ने उन्हें दिया था, और वो बाली ही था जो एक शिकारी के रूप में आकर भगवान श्री कृष्ण के पैर पर उन्हें मृग समझकर वार कर देता है, एक बाण छोड़ देता है, जिसकी वजह से स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अपना देह त्यागना पड़ा था। लेकिन एक सवाल उठता है कि जब हनुमान जी को यह सब ज्ञात था, तो हनुमान जी क्यों नहीं भगवान श्री कृष्ण को रोकने आए? क्या हुआ जब स्वयं हनुमान जी को यह पता चला कि उनके आराध्य भगवान स्वयं इस धरती को छोड़ने वाले हैं और वैकुंठ धाम की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं? क्या हनुमान जी उनसे मिलने आए थे? हम आपको इस बारे में विस्तार से बता दें कि हनुमान जी भली भांति जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, और इसके साथ ही हनुमान जी में भक्ति और साधना की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह सांसारिक मोहमाया, दुख और सुख से भी परे थे। इसीलिए वो ये सब बात भली भांति जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार इस धरती पर आए हैं और किस प्रकार प्रयोजन पूर्ण कर वो इस धरती से जा रहे हैं। ऐसा ही संदर्भ हमें त्रेता युग में रामायण के दौरान भी मिलता है, जब स्वयं हनुमान जी के डर के कारण श्री राम को अपनी अंगूठी पाताल लोक में गिरानी पड़ी, क्योंकि वो जानते थे कि हनुमान जी उन्हें वैकुंठ धाम जाने ही नहीं देंगे, और जिसके बाद वासुकी नाग की सहायता से उन्हें श्री राम की हजारों अंगूठियों के बारे में पता चला। और इस विषय में हम एक पहले भी वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवश्य मिल जाएगा, और साथ ही आई कार्ड में भी आपको वीडियो अवश्य दिख जाएगी। अब बात करते हैं कि क्या सचमुच हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए थे? तो इसका जवाब है नहीं।
हनुमान जी सदैव ही भगवान श्री राम का निरंतर जाप करते रहते हैं। उनके मन में केवल श्री राम ही मौजूद है। उनको ये ज्ञात था कि श्री रामचंद्र ना तो कहीं जाते हैं और ना ही कहीं से आते हैं, वो तो हमेशा से ही उनके हृदय में वास करते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान करते समय ना ही हनुमान जी दुखी थे और ना ही उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। यहाँ पर रही मिलने की बात, तो ऐसा कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी प्रभु श्री राम के अथवा श्री कृष्ण के परम भक्त कहलाते हैं। इसीलिए भगवान के बीच आंतरिक मन से यानी आंतरिक तरंगों से हमेशा मिलान होता रहता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि स्वयं श्री कृष्ण और हनुमान जी अपने अंतर मन से हमेशा एक साथ ही रहते हैं और हनुमान जी हमेशा अपने भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं। इस प्रकार से भगवान स्वयं हनुमान जी के साथ उनके अंतर मन में विराजमान रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण और जय श्री बजरंग बली अवश्य लिखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक ले देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।